नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। उद्धव गुट शिवसेना के नेता संजय राउत ने रविवार को कांग्रेस को आगाह करते हुए कहा कि अगर गांधी परिवार के नजदीकी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुकूल राजनीति करते रहेंगे तो देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव भी और मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। पार्टी के मुखपत्र सामना में प्रकाशित साप्ताहिक स्पंद रोकटोक में राउत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम संबंधी आशंका को उठाने का आह्वान किया। उन्होंने दावा किया कि एमपी में जब डाक मत पत्र की गिनती हो रही थी तब कांग्रेस 199 सीट पर आगे चल रही थी, लेकिन ईवीएम से गिनती शुरू होने के साथ ही परिस्थिति बदल गई। बीजेपी ने हाल में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस तेलंगाना में विजयी रही। इन राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए गए थे। कांग्रेस की एमपी इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ का संदर्भ देते हुए राउत ने कहा कि अगर गांधी परिवार के आसपास के लोग मोदी और अमित शाह के अनुकूल राजनीति करेंगे तो 2024 में और खतरा होगा। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान का नेतृत्व किया था। बता दें कि उन्होंने कहा कि मोदी का जादू 3 राज्यों में काम आया, लेकिन ये तेलंगाना में नहीं चला। राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने कहा कि ये भ्रम है कि कांग्रेस मोदी को हरा नहीं सकती। उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव का संदर्भ देते हुए कहा कि कांग्रेस ने पूर्व में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को हराया है। राउत ने कहा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री कर्मवंश अशोक गहलोत और भूपेश बघेल ने मुकाबला किया, लेकिन इसके बावजूद दोनों राज्यों में कांग्रेस की हार हुई। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज़।